एनेस्थीसिया से इंसान को डरना चाहिए। हम जो कि रोज सुनते हैं कि हम अगर बेहोशी से उठ पाएंगे कि नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में नहीं करा सकते, हमें बेहोश होने की क्या जरूरत है। फर्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी, जो कि आपके हाथ में है। लेकिन जब भी अगर आप अवेक हैं और जैसे ही आपका नाइफ और सीजर्स आपकी आंखों के पास आएगा, नेचुरली कोई भी थोड़ा डरेगा। फिर हम आपकी किडनी की जांच, किडनी फंक्शंस कैसे हैं वो देखते हैं, लिवर फंक्शंस को हम असेस करते हैं। हमने एक पेशेंट का सर्जरी प्लान किया कि अगले महीने उनका सर्जरी करना है, और जब टेस्ट कराए तो उनका HbA1c जो डायबिटीज़ का मात्र होता है वो निकला 7.7, और वो कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरे को कभी डायबिटीज़ है। अगर हम इन सब चीज़ों को ढंग से एक साथ मिल के अच्छे से करेंगे तो हम बहुत सारी मिस हैपनिंग्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाय, वेलकम टू अनदर प्लास्टिक सर्जरी पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, घबराते हैं, एनेस्थीसिया। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर प्लास्टिक सर्जरी से हम डर नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि सर्जरी के लिए बेहोश होना पड़ेगा उससे डर लग रहा है। उनके दिमाग में बहुत एप्रीहेंशन, बहुत मिथ्स होते हैं। वो कहते हैं कि किसी तरह ऐसे सर्जरी कर दी जाए कि हम बेहोश ना होए, हमें आप सुन करके कर दो, लेकिन अगर सर्जरी बड़ी है तो कैसे कर दें। सो इस विषय पे वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल बाय अ वेरी रेनाउंड एनेस्थेटिस्ट, समवन हु हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर लास्ट 8 years। आई हैव डन मोस्ट ऑफ माय सर्जरीज विद हिम। ही इज समवन हु आई कॉल एज एयर बैग। जैसे आपकी गाड़ी में होता है ना कि एयर बैग होते हैं तो आप सिक्योर फील करते हैं, तो अगर ये मेरे ओटी में होते हैं तो मैं सिक्योर और मेरे पेशेंट सिक्योर फील करते हैं। डॉक्टर सुमित सेतिया। हाय डॉक्टर सुमित, वेलकम टू आवर प्लास्टिक सर्जरी पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आप बताएं कि सबसे पहले तो एनेस्थीसिया से इंसान को डरना चाहिए या नहीं? एनेस्थीसिया से डरना नहीं चाहिए। ये आपका दोस्त है जो आपके सर्जिकल आउटकम्स में बहुत अच्छे से मदद करता है ना। टू अचीव अ गोल इफ यू आर नॉट अंडर एनेस्थीसिया, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्जन टू परफॉर्म एंड टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स ही कैन। सो जब इंसान सोचते हैं कि जी मैं बेहोश हो जाऊंगा और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा और मैं पता नहीं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, यही लोगों का एक फियर होता है। सो उस फियर के लिए आप उनको क्या बोलेंगे कि उनको लगता है मैं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, मैं बेहोशी से बाहर नहीं आया तो? ये एक सबका एक बहुत लोगों का डर होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डर है। हम जो कि रोज सुनते हैं कि हम अगर बेहोशी से उठ पाएंगे कि नहीं, या अगर हम बीच में उठ गए कि नहीं। हाँ। सो ये दो क्वेश्चंस होते हैं जो हम हर रोज हर मरीज से ये सुनते हैं जो जनरल एनेस्थीसिया में हम करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। नाउडेज एनेस्थीसिया इज़ वेरी सेफ, इट इज़ कंट्रोल्ड विद मेडिकेशंस, एंड इट इज़ जस्ट लाइक यू आर अनकॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू। You are not aware actually of what is actually happening to you under anesthesia, but that is very controlled thing. And we have so many other gadgets to help us out. हमारे पास बहुत से आधुनिक मशीनें हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखती हैं। You are continuously being monitored. You are not given any extra doses. So everything is very controlled and in our hands only. मैं तो अपने patients से मुझसे पूछते हैं consultation में कि जी हमें लग रहा है डर, तो मैं उनको बोलता हूँ कि एनेस्थीसिया में तो बल्कि सब कुछ कंट्रोल में है, आपका हार्ट, आपका लंग, आपका किडनी, आपका सब कुछ कंट्रोल में है। जब अगर आप होश में हैं तो शायद हमारे कंट्रोल में उतना नहीं है। यस, दैट इज़ ये आप बिल्कुल, आपने ये बात ठीक करी है। हम अचानक से जैसे किसी जगह पे पहुँचते हैं, सपोज एक कमरे में पहुँचे, वहाँ की लाइट्स बंद हुई, तो हमारा क्या हाल होगा? धड़कने ऊपर नीचे होंगी। सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं जहाँ हम किसी भी आदमी से फेमिलियर नहीं है, तो क्या होगा? हमारे में थोड़ी सी हिच तो होगी, है ना, हम डर के जाएंगे उस जगह पे। सिमिलरली अगर कोई भी इंसान ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसता है, सबसे पहले तो वो एक डर, वैसे ही ऑपरेशन का डर। दूसरा, जब जैसे ही आप घुसते हो, आप देखते हो हर तरह की मशीनें हैं, इधर एक मशीन, दो लाइटें इधर से, दो बंदे इधर खड़े हैं, दो चार इधर लोग खड़े हैं, सब तरह से सामान पड़ा है, तो वो देख के आपकी घबराहट जो है और बढ़ जाएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका बीपी शूट कर सकता है, आपकी धड़कन बढ़ सकती है, एंड आप भी पैनिक अटैक्स में जा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू सो दैट यू कैन गो थ्रू द सर्जरी वेरी वेल एंड वेरी स्मूथली। सो हम बात करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि क्या ये सर्जरी
हम लोकल एनेस्थीसिया में नहीं करा सकते, हमें बेहोश होने की क्या जरूरत है। सो मैं पेशेंट्स को कई बार अपनी प्रैक्टिस में समझाता हूँ कि अगर कोई बहुत छोटा सा एरिया आप कर रहे हो तो आप उसको नम कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही एरिया बड़ा होता है सो लोकल एनेस्थीसिया जो आपको ज़रूरत है उसकी डोज बढ़ जाती है, विच इटसेल्फ कैन बी अ टॉक्सिक डोज। सो जनरल एनेस्थीसिया इज मच सेफ। आपका इस बारे में क्या कहना है? यू आर वेरी राइट इन दिस कि जनरल एनेस्थीसिया इज अ मोर सेफर ऑप्शन फॉर बिग सर्जरीज। कोई भी छोटा मोटा प्रोसीजर है, स्टिचेस लगने हैं या छोटी मोटी डेंटल सर्जरी है या स्कार रिविजन है जैसे कि आपके प्लास्टिक्स में होता है या सम रिडक्शन है कुछ छोटी सी, वो सब चीज़ें आप लोकल एनेस्थीसिया में आराम से कर पाते हैं। बट अगर कोई बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है इन्वॉल्विंग लाइपोसेक्शन और राइनोप्लास्टी जिसमें आपका यू नीड प्रिसीजन इन दैट, आई थिंक दैट शुड बी बेटर डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, बिकॉज फर्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी जो कि आपके हाथ में है, पेशेंट इज काम बिकॉज ही इज स्लीपिंग, एंड थर्ड इज सर्जन इज फ्री to do whatever he wants for the betterment of the patient, obviously. So everything जो भी हम कर रहे हैं वो हम मरीज़ की सावधानी, समझदारी और उसकी बेहतर के लिए हम कर रहे हैं। हमारे कल ही एक पेशेंट ने कंसल्टेशन में पूछा कि जी उनको आईलिड सर्जरी कराना है, आई बैग्स का सर्जरी, तो वो कहते हैं कि आप लोकल में करेंगे या जीए में। सो मेरा क्या आंसर था कि हम लोकल एनेस्थीसिया में कर तो सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अवेक हैं और जैसे ही आपका नाइफ और सीजर्स आपकी आंखों के पास आएगा नेचुरली कोई भी थोड़ा डरेगा, और यू कैन मूव व्हेन यू आर लाइंग डाउन, और अगर आप इफ़ यू मूव आई एज अ कॉस्मेटिक सर्जन लूज माई प्रिसीजन। और हमारी पूरी की पूरी सर्जरी खेल ही प्रिसीजन का है, फिनेस का है। सो अगर प्रिसीजन और फिनेस भी हमें जनरल एनेस्थीसिया देता है, सो ये बताएं किस तरह से आप सेफ्टी इंश्योर करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, प्री ऑपरेटिवली क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं और उन टेस्ट का क्या मतलब उसका उससे आपको क्या पता चलता है और व्हाट नॉलेज डू यू गेट व्हिच यू कैन मेक द प्रोसीजर सेफ फॉर द पेशेंट। पहली बात, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द ब्लड टेस्ट्स। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पेशेंट की पूरा प्रोफाइल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रोफाइल अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशन हेल्प अस टू नो अ पेशेंट बेटर। Physically in the sense, obese patient, they have more morbidities in view of like हमें काफ़ी दिक्कतें जिस चीज़ें में आ सकती हैं, पोस्ट ऑप उनको चलाने में, पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन में, यू नीड अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। एंड देन कई बार हमें जब बेहोश करते हैं तो हमें गले में ट्यूब डालनी पड़ती हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और मोर ओवर ओबेसिटी के साथ और बहुत सी बीमारियां जो साथ में जुड़ी होती हैं वो सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो एक तो आपने देख लिया ओबेसिटी, आई मीन फिजिकल प्रोफाइल। तो ओबेसिटी में अगर ओबीज है तो इसको सेफ बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसको सेफ बनाने के लिए उसकी और क्या मेडिकेशंस ऑलरेडी वो ले रहा है उसको हमें देखना पड़ता है ना। लाइक ओबेसिटी वाले पेशेंट्स दे कैन बी डायबिटिक, दे कैन बी हाइपरटेंसिव, वो कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड अदर थिंग कि अदर एसोसिएटेड डिजीजेज अलॉन्ग विद द डायबिटीज दे आर सो मैनी ऑफ दैम, सो वी हैव टू लुक फॉर दैम बाय गेटिंग द बायोकेमिकल एनालिसिस जो कि हम ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं। अदर थिंग इज एयरवे डिफिकल्टीज उन ओबेस पेशेंट्स, जैसे कि उनकी गर्दन कहीं की बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इसमें आता है हमारा एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली उन पेशेंट्स को ज़्यादा हमें ध्यान से उनको रखना पड़ता है। जब हम पोस्ट ऑपरेटिव आई मीन जब हम उनको बेहोशी से बाहर लेके आते हैं तो उस टाइम पे हमें उनका केयर ज़्यादा रखना पड़ता है। स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि जैसे कई पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम रात को सोते सोते उठ जाते हैं, मोटे लोग जो होते हैं, मतलब कि हमारी एकदम से रात को जाग खुल जाती है, दे आर लाइक वॉट हैपन्ड, सो एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि दे आर स्लीप एपनिया पेशेंट्स, बट जब हम उनसे हिस्ट्री में ये बात पूछते हैं तो हमें पता चलता है। सो वी नीड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर डूइंग दीज पेशेंट्स, एंड वी नीड ऑल द केयर्स वी रिक्वायर, जैसे कि हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिवली उनको कोई सीपैप वगैरह की ज़रूरत होती है,
वो सब चीज़ें हमें अपने पास अरेंज रखनी पड़ती हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली हमें पेशेंट के पीछे इधर उधर उसे भगाने की बजाय हम सब तैयारी पहले से करके रखें। इसीलिए पेशेंट प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली हम इन सब चीज़ों का ध्यान अपने सेंटर में रखते हैं ताकि पेशेंट की सेफ्टी हम हमेशा इंश्योर कर पाएँ बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। सो फिजिकल असेसमेंट में और क्या देखा जाता है? असेसमेंट में ओबेसिटी जैसे मैंने आपको बताया, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का भी उसमें देखना पड़ता है ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, लाइक कई लोग डिप्रेशन वाले होते हैं वो ऑलरेडी इतनी सारी मेडिकेशंस पे चल रहे होते हैं, तो उन मेडिकेशंस का हमारी एनेस्थीसिया ड्रग्स पे क्या इम्प्लिकेशन है, क्या इंट्रैक्शंस है मेडिसिन, वो सब चीज़ें हमें देख के उनको आगे बेहोशी देनी पड़ती है। तो गुड, आपने बताया अबाउट दिस साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सो हम तो अपने सेंटर में एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कराते हैं हर पेशेंट का, देखने के लिए कि क्या उनको कोई बॉर्डरलाइन डिफॉर्मिटीज तो नहीं है साइकोलॉजिकली। सो उससे भी हमें पता चलता है कि पेशेंट की एंग्शियस स्टेट, मेंटल स्टेट क्या है जब वो ओटी में आ रहा है, और हम किस तरह से उसको हेल्प कर सकते हैं उनको काम करने के लिए। अब आती है बात कि ब्लड पैरामीटर्स हम क्या क्या कराते हैं, किस तरह से उसकी सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए पेशेंट्स का। बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो हम PAC अपना पैकेज बनाते हैं, उसमें रूटीन हीमोग्राम जिसमें आपके खून की जांच की जाती है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके जो खून तत्व में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह TLC वगैरह है, वो सब चीज़ें उसमें हम देखते हैं। फिर हम आपकी किडनी की जांच, किडनी फंक्शंस कैसे हैं वो देखते हैं, लिवर फंक्शंस को हम असेस करते हैं, आपकी यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, उस चीज़ को हम एडजस्ट करते हैं। ECG देखते हैं ताकि उससे आपका ये पता चले कि कोई हार्ट में चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, कहीं आपकी धड़कन मिस तो नहीं हो रही है। चेस्ट एक्सरे में ये देखा जाता है कि ऑलरेडी पहले कोई चेस्ट में कोई इन्फेक्शन या पैचिनेस या कोई और क्रॉनिक पुरानी वाली कोई दिक्कत उसमें साथ में तो नहीं आ रही है। और इन सब का सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, हम उन चीज़ों को देख के हमें पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि मरीज़ आया है, हमने उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं पूछी, सडनली वो आके हमारे पास खड़ा हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि नहीं जी आपका तो ऐसे है इसलिए आज ऑपरेशन नहीं हो सकता। सो दैट्स अ बिग वेस्टेज ऑफ टाइम, आपकी भी, हमारी भी और पेशेंट के लिए भी। इसीलिए प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसा कि अपने सेंटर में वी डू विद द बिफोर, प्रायर टू द सर्जरी वी जस्ट गिव देम अ फॉर्म कि आपको फॉर्म में सब चीज़ें आपकी फिल करना है। इन दैट फॉर्म वी ऑल्सो आस्क अबाउट लाइक योर प्रीवियस एनेस्थीसिया एक्सपोजर्स, यू नो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस एनेस्थीसिया एक्सपोजर्स में जैसे कई लोग हम स्पाइनल में करते हैं कई प्रोसीजर हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, कई सेडेशन में करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम सोते सोते जग गए। जब आप पूरे बेहोश हो तो आप सोते सोते उसमें से नहीं जग सकते। दैट इज़ यू आर अंडर अ कॉन्शियस सेडेशन जिसमें से आप सो के जग सकते हो। आप सो रहे हो, नींद से आपको हम हिलाएंगे उठाएंगे, आप जग के हमारे साथ बात करोगे, ये जगना नहीं कहलाएगा, है ना। सो ये चीज़ जो लोगों में है, लोगों के अंदर, कि हम जनरल एनेस्थीसिया से उठ जाएंगे, सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट। सिर्फ सेडेशन से आप उठ सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया से नहीं, जनरल एनेस्थीसिया से नहीं उठ सकते। सो गुड, आपने बताया, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हैं। बहुत बारी पेशेंट्स, हम एक क्लिनिशियन हम देखते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि सर मेरे तो सब कुछ नॉर्मल है जी, आप टेस्ट क्यों करा रहे हैं। बट मैं उन सब पेशेंट्स को बोलता हूँ ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं बिफोर एनी सर्जरी, सो दैट वी नो अबाउट पैरामीटर्स। अभी हाल ही में कल परसों हमने एक पेशेंट का सर्जरी प्लान किया कि अगले महीने उनका सर्जरी करना है, और जब टेस्ट कराए तो उनका HbA1c जो डायबिटीज़ का मात्र होता है वो निकला 7.7, और वो कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरे को कभी डायबिटीज़ है। सो इस बहाने आपका एक बारी टेस्टिंग भी हो जाती है देखने के लिए कि कोई और बीमारी तो नहीं है। सो ऑब्वियसली नाउ वी हैव टाइम, वी कैन गिव हिम मेडिसिंस, वी कैन स्टार्ट हिम ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ताकि वो पेशेंट सर्जरी के दौरान तक ठीक हो जाए। और सिर्फ सर्जरी के दौरान नहीं, उसको पता चल गया कि उसको डायबिटीज़ है तो उसका वो इलाज जिंदगी भर अब प्रॉपर तरीके से कर पाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐसे आपने बताया। अब आपने एक बात करी कि कॉन्शियस सेडेशन और एनेस्थीसिया, तो अब सेडेशन क्या होता है, क्या सर्जरी सेडेशन में भी की जा सकती है, और एनेस्थीसिया क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, किस पेशेंट के लिए आप सेडेशन करते हैं और किस पेशेंट के लिए आप एनेस्थीसिया देते हैं पूरा। सेडेशन उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं जिनमें बहुत छोटे से मिनिमल प्रोसीजर्स हों, जिसमें ताकि आप लोकल इन्फिल्ट्रेट करके, लोकल सिर्फ उसी जगह को सुन करके
और साथ में हम सुला देते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा काम हो जाए, काम हो जाए, सो जाए, नींद आ जाए। बट लाइक कॉन्शियस सेडेशन का लेवल भी हमें सब टाइट्रेट करके रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप कॉन्शियस सेडेशन अपने क्लिनिक में पीछे आपने दिया और सो गया मरीज और काम हो गया, है ना। सो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। यू नो एट टाइम्स वी हियर दैट देर वॉज अ मोर्टैलिटी अंडर एनेस्थीसिया, सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली, यू शुड नो द फैक्ट्स कि एनेस्थीसिया कहाँ दिया गया, किसने दिया, एनेस्थीसिया अवेलेबल था, इज दैट प्लेस equipped with the all the instruments which are needed to provide anesthesia. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा important है। बहुत valid point उठाया आपने कि कई बार लोग बोलते हैं सर hospital में क्या, clinic में surgery कर लिया हमने तो। सो मैं सबको बोलता हूँ clinic में surgery ना करें, या तो surgical centers हों proper या hospitals हों जो पूरा equipped हों हर eventuality झेलने के लिए। सो जैसे airbags बोलते हैं ना, हर हॉस्पिटल में, हर ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे एयरबैग्स होने चाहिए सारी चीज़ें देखने के लिए। तो आप बताएं कि हमारे सेंटर में जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, क्या क्या सेफ्टी गैजेट्स हैं हर इवेंचुअलिटी को देखने के लिए? आई थिंक वी हैव एवरीथिंग विद अस बीइंग, पहले हम अपने ऑपरेशन थिएटर को ही देखें, वी हैव अ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। बहुत सारे लोग ऑपरेशन थिएटर में वो स्प्लिट एसी लगा देते हैं, बोलता हूँ स्प्लिट एसी हो ही नहीं सकता, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। सो लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो, हापा फिल्टर्स, ठीक है। देन द अदर थिंग इज स्टेरिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बीन टेकन केयर। हम अपने ऑपरेशन थिएटर में स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट विद डेट्स प्रॉपर चेकअप के साथ उनकी एवरी डे डेली हम ऑटोक्लेव करने से पहले स्टेरिलिटी को पहले देखते हैं, उसके बाद ही सब यूज़ करते हैं। एंड डीप क्लीनिंग ऑफ द ओटीज, डीप क्लीनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यूवी स्टेरिलाइजर एंड ईटीओ स्टफ। वी डोंट यूज़ एनी थिंग जो कि साइडेक्स में डाल के यूज़ कर लो, या वी डोंट यूज़ दैट काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। सो लाइक दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके। देन वी हैव टॉप मोस्ट anesthesia machines, we have defibrillators, we have all the monitor gadgets, we have infusion pumps, we have CPAP, airbag, we have everything. Air analysis वाला जो device है, air analysis जो आपको CO2 level आपकी body में कितना है वो सब आपको बताएगा। Then we have the inhalational anesthetics, क्या चल रहा है, कितनी values पे चल रहा है वो सब आपको बताएगा। ये सब चीज़ें, ये लाइपोसक्शन के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे आपने पढ़ाया था एक बारी कि लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो एयर एनालिसिस गैसेस इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइपोसक्शन इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसीजर, यू सी, कि ऐसा नहीं है कि आपने डाला और निकाला और सब खत्म हो गया। लाइपोसक्शन का मतलब है कि इट इज़ टोटली चेंजिंग योर इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, इट्स टोटल मेटाबॉलिक शिफ्ट। इनिशियली तो इंट्रा ऑपरेटिवली तो है ही है, पोस्ट ऑपरेटिवली ऑल्सो, एंड आई मीन अ मंथ और टू मंथ्स आफ्टर आपके हार्मोनल चेंजेस और वो सब चीज़ें भी, सब चीज़ें होती हैं। सो लाइपोसक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पतला होना, वो आपकी चीज़ों में काफ़ी सारी चेंजेस लेके आता है। मैं तो अपने जितने भी फेलोज आते हैं बोलता हूँ कि लाइपोसक्शन इज अ सीमिंगली बेनाइन सर्जरी, बट इट इज सीमिंगली बिकॉज इट इज़ नॉट बेनाइन। आप अंदर सर्जरी कर रहे हैं, बहुत सारा फैट निकाल रहे हैं, उस एरिया में क्या हो रहा है उसके बाद आपका जो ब्लड शिफ्ट हो रहा है, आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्स्ट्रा वास्कुलर में जा रहा है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस लाइपोसक्शन में हुए हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अक्रॉस द ग्लोब, वो ज़्यादातर फ्लूइड शिफ्ट बैलेंस की वजह से हुए हैं, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट ने उस समय उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि उससे सोचते रहते हैं। तो अब आपने बताया ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस का काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है और बहुत लोग नहीं रखते। लेकिन मेरे को याद है जब हम बना रहे थे सेंटर तो आपने कहा कि नहीं यार ये तो रखना ही रखना है। अब आप मर्सिडीज है तो मर्सिडीज ही चलाओगे। और पोस्ट ऑपरेटिवली, जब पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में पेशेंट आता है तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में क्या क्या मॉनिटर करते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग में हमारे पास ECG, SpO2, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट एंड अ सिस्टर इज ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन देयर हेड टू टेक केयर ऑफ देम। So we have 1:1 का रेशियो फॉर नर्स एंड पेशेंट इन रिकवरी, है ना। सो एक पेशेंट पे एक नर्स है। पोस्ट ऑपरेटिव इज अ मेजर कंसर्न विच शुड बी टेकन केयर ऑफ। इंट्रा ऑपरेटिवली अंदर तो हमारे पास फिर भी बहुत लोग होते हैं,
पोस्ट ऑपरेटिव में एक पेशेंट के पास एक बंदा, इनिशियल के 2 आवर्स में रहना इट इज़ अ मस्ट। आजकल ये बड़ा हम पेशेंट्स को बात करते हैं कि हम हर पेशेंट में इंट्यूबेट नहीं करते, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, इंट्यूबेट नहीं करते, लेरिंजियल मास्क एयरवे या अपर एयरवे डिवाइसेस आपके पास हैं, सो हाउ हैज इट मेड एनेस्थीसिया सेफर और कंफर्टेबल टू आवर पेशेंट्स? You can say more comfortable. Mm-hmm. Like we are safe with them also, we were safe before also. Okay. It's the only difference जो है, हम supraglottic devices बोलते हैं, जो कि हम अपनी सांस की नली के अंदर नहीं डाल रहे हैं, वो थोड़ा पीछे आके आपकी जीभ के नीचे आके हम उसको रोक देते हैं, ताकि वो आपसे उसके थ्रू हम आपको continuous oxygen देते रहें, ठीक है, we can manage that through that. So इसका basic advantage ये रहता है कि जो पोस्ट ऑपरेटिवली पोस्ट सर्जिकल गले में खराश वगैरह की जो दिक्कत होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने से, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। सो बेसिकली दिस डिवाइस इज यूज्ड कि पेशेंट को पूरी ट्यूब नहीं डाली गई, जिससे उसके गले पोस्ट ऑपरेटिवली गले में जो इरिटेशन खराश होती है बेहोश होने के बाद वो नहीं होता, पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। और एनेस्थीसिया उस इस डिवाइस से भी वैसे ही दिया जाता है जैसे? बिल्कुल वैसे ही। कई लोग हमसे कंसल्टेशन में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम बेहोश कैसे होने वाले हैं, मुंह से होने वाले हैं या वेन से होने वाले हैं, इसका क्या जवाब है? वेन से। वेन से तो बेहोश या वेन से हो गए, लेकिन मुंह से आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा। ऑक्सीजन दी जाएगी अगर आप बेहोश हो गए, इट्स काइंड ऑफ यू नो टेम्परेरी अनअवेयरनेस, जिसमें आपको हम मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं सो दैट यू आर टोटली रिलैक्स्ड, आप सो रहे हैं, रिलैक्स्ड है एंड अ सर्जन इज ऑपरेटिंग। ऐसा है कि अगर हम रिलैक्सेशन नहीं देंगे, आपने गलती से हाथ ऐसे कर दिया और आपके हाथ का ऑपरेशन हो रहा हुआ, देन व्हाट? ओके, रिलैक्सेशन जब दे रहे हैं तो रिलैक्सेशन आपकी पूरी बॉडी की हर चीज़ को रिलैक्स करता है, बींग इट योर मसल्स, चाहे वो हार्ट की मसल्स हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स की हैं, चाहे वो बॉडी की हैं, चाहे वो सांस लेने की मसल है। अगर सांस लेने की मसल पैरालाइज्ड हैं, दे आर नॉट वर्किंग, we need to give you oxygen to sustain. वो ऑक्सीजन हम आपको या तो सांस की नली के थ्रू दे रहे हैं या सुप्राग्लॉटिक डिवाइस के थ्रू दे रहे हैं। ओके, सो पैरालाइसिस जो हम करते हैं, पैरालाइज इट इज़ टेम्परेरी एंड दैट इज़ बीन टेकन केयर बाय द एयरवे, इधर बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब और बाय द सुप्राग्लॉटिक डिवाइस। और मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप चिंता मत करें, हर एनेस्थेटिक ड्रग का एक एंटीडोट होता है। आप अगर एवेरलिस की हैं तो उसको उठाने का भी एंटीडोट होता है, उसको अगर आप बेहोश हैं तो उसको उठाने का भी एंटीडोट होता है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको ये बात बोली है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यू नो। अब एज एनेस्थेटिस्ट आपका अपने सर्जन से ड्यूरिंग द सर्जरी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? आप सर्जन से क्या चाहते हैं? हम जब पढ़ते थे तो हमेशा रहता था कि सर्जन और एनेस्थेटिस्ट एक लॉगरिथम पे रहते हैं, लेकिन मेरे को तो लगता है लॉगरिथम नहीं, वी आर अ टीम। यस। सो आप अपने एज ए टीम पार्टनर सर्जन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो, अ गुड सर्जन इज वन हु लिसन्स टू हिज टीम मेंबर। इट्स नॉट ओनली मी लाइक द एनेस्थीसिया गिवन, इट इज ऑल्सो द नर्सिंग स्टाफ हु इज हेल्पिंग यू अराउंड, इट इज ऑल्सो हिज कुलीग हु मे बी जूनियर टू हिम, उनकी भी। सो अ गुड टीम वर्क कैन ब्रिंग अ गुड आउटकम, है ना? अब अगर इफ आई एम फाइंडिंग सम डिफिकल्टी, आई वॉन्ट माई सर्जन टू बी विद मी टू हेल्प मी आउट। इफ माई सर्जन इज इन सम डिफिकल्टी, आई शुड बी देयर टू हेल्प हिम आउट। सो इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क, है ना? सर्जरी के दौरान आपको ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है ना? कई बार इंसान सोचते हैं कि मेरी सर्जरी हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तब हाउ कैन एनेस्थेटिस्ट हेल्प इन दैट? पहली चीज़, हमें उस ब्लीडिंग को कंट्रोल में लेके आना है, ठीक है? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल में लाना है। कई बार क्या होता है कि ब्लड वेसल नीचे चली जाती है, उसको हम एकदम से नहीं देख पाते, तो हम उसको कम बीपी करके उसका ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं, जो नॉर्मल चल रहा है उससे थोड़ा कम लेके आते हैं, ताकि वो कम लेवल का ब्लड प्रेशर पेशेंट के ऊपर भी हानिकारक ना हो एंड इट कैन एड अ सर्जन। यू कैन सी द वेसल एंड देन यू कैन गुड। बहुत एक मूवी बनी इसके ऊपर और बहुत से लोग इस बात पे भी रहते हैं परेशान कि क्या मेरे को एनेस्थीसिया अवेयरनेस तो नहीं हो जाएगी, कि मैं जब बेहोश हूँ तब मुझे पता तो नहीं चल रहा होगा कि मेरा सर्जरी हो रहा है, मेरा पेट खुल रहा है, मेरे को सुन रहा है। सो ये एनेस्थीसिया अवेयरनेस के रिगार्डिंग में काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। एनेस्थीसिया अवेयरनेस इज़ वेरी मच देयर, यू कांट डिनाई दिस थिंग,
बट यस, हर चीज़ को कंट्रोल में करके अगर हम चलेंगे तो ये नहीं होगा. अवेयरनेस लास्ट में अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, वी आर, जब हम पेशेंट को जगा रहे होते हैं तो पेशेंट आसपास की बातें कई बार सुनता है, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये आसपास की बातें चल रही है तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो तो एक्सट्यूबेशन के टाइम का बात है. इसलिए हम मरीज को पहले सब समझाते हैं, हम जब उसको इंट्यूबेट भी करते हैं वी गिव इनफ टाइम कि हम जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है एक दवाई का असर आने का उससे ज़्यादा टाइम लेके ही हम इंट्यूबेट करते हैं, मतलब गले में नली वगैरह डालते हैं, और हमारी जो कॉन्टीन्यूस ड्रग्स हैं वो उसी तरह से चलती रहती हैं ताकि पेशेंट बीच में से जगे नहीं. ये बात तो हमारी ज़्यादातर हुई जनरल एनेस्थीसिया की. एक चीज़ होती है रीजनल एनेस्थीसिया जो भी बड़ा कॉमन होता है सर्जरीज में यूज़ करने के लिए, चाहे प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ा कम होता है, बट व्हाट इज़ रीजनल एनेस्थीसिया? रीजनल एनेस्थीसिया इज़ लाइक आई मीन अ रीजन, वी आर ब्लॉकिंग अ रीजन. इट कैन बी लाइक वी आर, अगर हम किसी हाथ की सर्जरी करना चाह रहे हैं तो हम एक तरफ के हाथ को सुन कर देते हैं ताकि वो हाथ काम नहीं कर रहा है, बाकी यू आर टोटली अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग. उसमें हम आपको साथ में एक सुलाने की मेडिसिन साथ में देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस सेडेशन, जो हम उसमें दे देते हैं, तो वो साथ में चलती रहती है ना. तो एक तो हो गया हाथ की सर्जरी, इसी तरह पैर की सर्जरी, कई बार हम लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज भी करते हैं. कई बार हमारे कुछ हाई रिस्क पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं प्रोवाइड करते, तो उनको हम ब्लॉक्स प्लस सेडेशन के साथ करते हैं. हाउ डज एनेस्थेटिस्ट इंश्योर कि पेशेंट को पेन नहीं होगा ड्यूरिंग द सर्जरी भी, और बहुत इंपॉर्टेंट आफ्टर द सर्जरी? पेशेंट कहते हैं जी ड्यूरिंग द सर्जरी तो मैं बेहोश हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा. हालांकि वो समझ नहीं पाते कि एनेस्थीसिया और एनल्जीजिया अलग अलग चीज़ें हैं. पेशेंट बेहोश हो सकता है लेकिन उसको पेन फिर भी हो सकता है. सो खैर, एनीवेज, एनेस्थीसिया के ड्यूरिंग आप एनल्जीजिया कैसे मेजर कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, और सर्जरी के बाद क्या किया जाता है कि हमारे पेशेंट्स को, बहुत से पेशेंट हमारे बोलते हैं कि हमारे पेशेंट्स को यहाँ पे हम कितनी बड़ी सर्जरी उनको पेन नहीं होता. सो हमारा पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो क्या किया हुआ है? हमारा पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इंटर ऑप से ही शुरू हो जाता है. इनफैक्ट प्री ऑप में हम एनाल्जेसिया देते हैं, इंटर ऑप देते हैं, फिर जैसे कि लाइपोसक्शन टमी टक में हम लाइपोसक्शन भी हम लोकल इन्फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं जो कि उसका हाफ लाइफ है, काफ़ी देर तक चलता है, सो वो भी हमारा टेक केयर करता है. टमी टक में हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, टैप ब्लॉक की तरह से अंदर से हम उसको ब्लॉक करते हुए चलते हैं. वो नर्व ब्लॉक से पेशेंट को अगले कुछ दिनों तक पेन नहीं होता, काफ़ी टाइम तक पेन नहीं होता. और बाद में हम एनाल्जेसिक्स अपने कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक देते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि बहुत ज़्यादा वो मरीज़ को हार्म भी ना करें एंड उनकी सेफ्टी प्रोफाइल के अंदर रहते हुए ही हम एनाल्जेसिक्स उनको देते हैं. अच्छा, एक बात और बताएं डॉक्टर स्मिथ, कोई पेशेंट इंसिस्ट करता है कि जी मेरा बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में करना है, तो क्या वो सर्जरी जब आप लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं तब भी हमें आपको बुलाना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए साइड बाई साइड? बिल्कुल होने चाहिए. इट्स नॉट कि आई एम आस्किंग यू टू बी देयर इन एवरी केस, बट यू आर देयर, बट इट इज, वो उसका रीजन बताएं. क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक की सेफ्टी भी हमें ये देखनी होती है. कई बार जब हम लोकल इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, लोकल दे रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो ब्लड वेल के अंदर नहीं चला जाए जब हम डाल रहे हैं, और अगर वो ब्लड में जाता है दैट शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ व्हेन एन एनेस्थेटिस्ट इज अवेलेबल. सो वो भी आपकी मिस हैपनिंग को प्रिवेंट करता है. अदर आप लोकल में कर रहे हो दैट इज़ गुड, बट कई बार पेशेंट पिन प्रिक से ही बहुत ज़्यादा हंस जाता है. ठीक है, तो उससे पहले हम पेशेंट को काम कर देते हैं, उसको हम साथ में सुला के उसकी एंजाइटी को कम करके उसके बाद हम लोकल इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. और मेरे को तो हमेशा लगता है आप लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं और कभी कभार पेशेंट इतना घबरा गया सर्जरी में उसको जीएम कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो एनेस्थेटिस्ट तो हमेशा स्टैंड बाय होना चाहिए. इट इज़ लाइक एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि एनेस्थेटिस्ट इज़ योर ईयर बैग. आपके ओटी में, हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए ताकि वो आपके लिए और आपकी से पेशेंट की सेफ्टी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इससे मुझे याद आया, हेयर ट्रांसप्लांट की, हेयर ट्रांसप्लांट सबको मालूम है लोकल एनेस्थीसिया में होता है, दुनिया भर में होता है लोकल एनेस्थीसिया में, लेकिन गाइडलाइंस आई हैं, उस गाइडलाइन में बड़ा साफ साफ लिखा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल गाइडलाइंस आई हैं कि एनेस्थेटिस्ट शुड बी देयर ऑन कॉल और स्टैंड बाय ड्यूरिंग इवन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज. सो ये कितने लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, बट हमारे सेंटर में ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं,
कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या कोई भी लोकल एनेस्थीसिया की सर्जरी के लिए भी एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर सुमित। आई एम श्योर बहुत से लोगों की कुछ एप्रीहेंशंस, डर, और जैसे आपने बोला एनेस्थेटिस्ट से तो डरना ही नहीं, डरते ही नहीं है, एनेस्थीसिया से भी ना डरें। सो ना बेहोशी के डॉक्टर से डरें, ना बेहोशी से डरें। हम सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए, पेशेंट्स को एनालिसिस करते हुए, किस तरह का एनेस्थीसिया देना है, कितना देना है, कौन सी ड्रग्स देनी है, वो सारा कुछ सारा मेजर करते हुए, ताकि आपकी पेशेंट की सेफ्टी को पूरी बातें मद्देनजर रखते हुए और पोस्ट ऑफ केयर को देखते हुए, वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू डॉक्टर सुमित। इफ यू हैव एनी पार्टिंग स्टेटमेंट टू से, आई थिंक पेशेंट प्रोफाइल, सर्जन प्रोफाइल, एनेस्थेटिस्ट प्रोफाइल एंड सर्जिकल सेंट्रल प्रोफाइल, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कहीं पर सर्जरी कराएं। पेशेंट प्रोफाइल सर्जन जानता है, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन प्रोफाइल वो आपस में जानते हैं, पेशेंट नहीं जानता उसके बारे में। बट यस, सेंटर प्रोफाइल आपके हाथ में है। सो अगर हम इन सब चीज़ों को ढंग से एक साथ मिलके अच्छे से करेंगे तो हम बहुत सारी मिस हैपनिंग्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। लवली, ग्रेट ग्रेट पार्टिंग स्टेटमेंट। थैंक यू। थैंक यू।